जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर के आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म का आटा और चीनी सस्ता करने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 85 रुपये से कम करके 70 रुपये किलो कर दी गई। आटे के 10 किलो थैले की कीमत 400 रुपये मुकर्रर। शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार। रमजान सब्सिडी पर शहरी मुतमिन दिखाई दी। हुकूमत ने हमें बहुत रिलीफ दिया है। पहले चीनी 85 रुपये किलो दुकानों पे 90 रुपये किलो फरोख्त हो रही थी और अब 70 रुपये किलो हमें रिलीफ दिया जा रहा है। और आटे के हिसाब से भी ऐसे देखा जाए तो बहुत रिलीफ मिल रहा है। आम दुकानों से 1100 रुपये 1150 रुपये का आटा फराम किया जा रहा है और यहाँ यूटिलिटी स्टोर से हमें 800 रुपये का दिया जा रहा है। माहे सयाम का दूसरा शिरा। शहरियों को तहाल रिलीफ ना मिल सका। मुल्तान में फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। खरबूजा अनार अंगूर समेत दीगर फल महंगे हो गए। उधर मियांवाली के रमजान बाजार में चीनी का स्टॉक खत्म। शहरी दरबदर। रमजान बाजार में कई चीजों के निर्ख ज्यादा होने का भी शिकवा। बाजार दे विच जिहड़ी चीज सानू मिलदी है 100 रुपए की, इत्थे सानू 200 रुपए की मिलदी पई है। जिहड़ियां चीजां मौजूद हैं वह तो महंगियां ने ते जिहड़ियां चीजां चाहीदियां वह हैं भी कोना, कोई चीज नहीं लभदी। रिलीफ की बजाय तकलीफ। जलालपुर पीरवाला में यूटिलिटी स्टोर शहरियों के लिए अजाब बन गए। ऑनलाइन सिस्टम में खराबी। सब्सिडाइज अशिया की फराहमी के लिए आए शहरी खार होने लगे। मियांवाली में मीठी ईद भी। महंगाई की नजर। मार्केटें वीरान। कारोबार ठप। ताजर और डाक दोनों परेशान। कहते हैं दिन भर में एक दो गाहक आ जाए तो गनीमत समझते हैं। बहावल नगर में भी खरीदारी के लिए आए शहरियों का महंगाई पर शिकवा। कीमतें ज्यादा होने पर शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। डॉलर की ब्रेकें फिर से फेल। इंटर बैंक में डॉलर 1.56 रुपये महंगा। डॉलर की कीमत 184.44 रुपये से बढ़कर 186 रुपये पर पहुंच गई। तीन रोज में डॉलर 4.47 रुपये महंगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा गवर्नर के नाम नहीं लिखा था। इस्तीफे के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। आइन के तहत वज़ीर आला को इस्तीफा अपने हाथ से तहरीर करना चाहिए था। अदालत उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला पंजाब इस्तीफा मंजूर करना गैर आइनी करार दे। कौम जाग चुकी है। तब्दीली के नाम पर दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। नामजद गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी के अहदेदारान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। अहदेदारान ने मखदूम अहमद महमूद को मुबारकबाद पेश की। दो साल से पार्टी में रहकर जो बातें की वो सच साबित हो रही हैं। आज भी उसी मौकफ पर कायम हूं कि हमारी हुकूमत करप्शन कर रही थी। पीटीआई रुकन कौमी असेंबली अहमद हुसैन डेहर की मीडिया से गुफ्तगु बोले। मुनहरफ अराकीन अलग ग्रुप बनाने जा रहे हैं। जल्द आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ मुल्तान के ज़िला सदर खालिद जावेद वड़ाइच की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद। कहा कि मौजूदा हुकूमत 12 जमातों का मजमुआ है। पूरी कौम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं और ये कैबिना बना रहे हैं। इदारों को भी चाहिए इलेक्शन कराने के अमल में किरदार अदा करें। सरकारी स्कूलों के कॉन्ट्रैक्ट असातज़ा रुल गए। रहीमर खान के 1250 असातज़ा को 9 माह की तनख्वाहें ही ना मिल सकी। तमाम असातज़ा प्री एजुकेशन ऑफिस के बाहर सराफा एहतजाज। तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज के दायरेकार वसी करने की धमकी दे दी। चौदह हज़ार एजुकेटर्स का मुस्तकिल खतरे में। 31 मई तक मुस्तकिल ना होने पर सालाना इंक्रीमेंट खत्म होने का खदशा। एजुकेटर्स ने सर पकड़ लिए। सालाना इंक्रीमेंट के हसूल के लिए आला हुकाम से मुस्तकिल करने का मुतालबा। कोरोना
200 फीसद की खिलाफवर्जी। दुबई सिविल एविएशन का PIA को 3,20,040 दिरहम का जुर्माना। PIA की जानिब से 28 मार्च 2022 को कोरोना कानून की खिलाफवर्जी की गई। मुल्की ऑयल रिफाइनरीज को इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल की सप्लाई में कमी। ऑयल रिफाइनरीज की एयरपोर्ट्स पर तैयारों की फ्यूल की सप्लाई भी मुतासर। पाकिस्तान आने वाली कार्गो की तमाम एयरलाइंस को इजाफी फ्यूल लेकर पाकिस्तान आने की हिदायत जारी। ऑयल एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर्स ने एयरलाइंस को आगाह कर दिया। ट्रैफिक मुल्तान जिद्दत की राह पर गामजन। जनूबी पंजाब के 3 रीजन ई चालान सिस्टम शुरू करने का फैसला। खसूसी एप्लीकेशन पर नए सिस्टम का आज से आगाज। ई चालान से करप्शन का भी खात्मा होगा। पेपरलेस चालान सिस्टम से ट्रैफिक निजाम में बेहतरी आएगी। सेहत कार्ड से सहूलियात की बिला तातुल फ्राहमी की बंदिश में कोई सदाकत नहीं। सेहत कार्ड पर शहरियों का निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजा जारी। PHIMC की तस्दीक। CO अली रजाक का कहना है कि मुल्तान समेत 9 डिवीजन्स में 100% आवाम को सेहत कार्ड पर सहूलियात दी जा रही। जामे जकरिया मुल्तान में शान रमजान पैनल शोबजाती मुकाबला। नाजम अमूर तलबा और शोबा इस्लामियात के तरह तमाम उसने किरात नाथानी तकरीबी पेंटिंग कैलीग्राफी और क्विज के मुकाबले जाप हुए। तलबा और तालिबान के पोजीशन लेने पर वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी ने पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स और तारीखी सर्टिफिकेट दिए। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर शाद अहमद का SOS विलेज का दौरा। बच्चों माओं और स्टाफ में कपड़े और तहाई फ्लेक्सिंग किए। कहा सबको खुशियों में शरीक करना ईद उल फितर का पैगाम है। SOS विलेज बेसहारा बच्चों के लिए मिसाली पनाह का।